वेलकम है 4TV न्यूज़ में, मैं हूँ खुर्शीद आलम। वैसे तो कर्नाटक में और बीजापुर शहर में भी लॉकडाउन चला हुआ है और कई नौजवान अपनी रोजी रोटी रोज़ी को अपने काम धंधे को बंद कर करके अपने अपने घरों में सेफ हैं। तो ऐसे आज हम यहाँ ठहरे हुए हैं हज़रत अब्दुल हमीद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के इस शाही कब्रिस्तान में। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, शाही कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर अक्सर जो मैयतें आती हैं, अक्सर कोविड की महामारी से जो अमवात हो रहे थे, तो मैयतें जो रात हो या दिन हो आ रही थी, तो यहाँ पर जो है कब्रिस्तान में इतनी झाड़ियाँ, इतने कांटेदार झाड़ियाँ उगे हुए हैं कि मैयत को लाना भी यहाँ पर काफ़ी दुश्वार हो रहा था। तो इसी को महसूस करते हुए मोहल्ले के जो नौजवान हैं, उन्होंने जो इस कब्रिस्तान को साफ करने का इरादा किया और ये काम आज इन्होंने शुरू किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, जो कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी, तो कब्रिस्तान में आने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। तो इन्होंने आज सुबह से ही इस कब्रिस्तान को पाक करने का इरादा किया और काम शुरू किया और तमाम मोहल्ले के नौजवानों ने इस कब्रिस्तान को साफ करने का काम यहाँ पर शुरू किया है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमें कब्रिस्तान के अंदर हमारे पूरे नौजवाना एक तीन चार जने पहले करे थे, उसके बाद सादिक, उस सादिक पूरा उमर हमारे महाबरी साहब पूरे नौजवाना मिला को हमारे नजो पूरा कब्रिस्तान साफ करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। इन्हों ऐसा सब कब्रिस्ताना में उधर मुर्तुजा दरगाह में इमाम और इनामदार हो, उन्होंने जे सी पी लगा साफ कर रहे हैं। सब भी कब्रिस्ताना अपने अपने साफ रख को, पाक साफ रख को, थोड़ा झाड़ा लगाए तो बहुत अच्छा होता है। एक काटे के झाड़ाए हैं, छः महीने में और दबा को फसल होती है इसकी, उसे दवा मारने का वो क्या भी काड़ को जला को कोशिश कर रहे हैं। सब भी मिला को कर रहे हैं, सब भी कौन खाली हैं आ को थोड़ा कब्रिस्ताना में तुम्हारे एक एक दो दो खबर किसके उन्होंने साफ कर गए। तो दो तीन झाड़ा हर एक ले आ को साफ करे तो सबको अनुकूल होता है, अच्छा होता है। सब भी मिला को आओ, ये बड़ा काम है ये कब्रिस्तान साफ करना, सब भी मिला को करे तो होता है। और एक जनाजे आने जाने फूला पिंजरा तड़ता था है कब्रिस्तान में, सब भी मिला कर रहे हैं। तुम्हें भी किसके हरेक ले भी है के भी हैं खबर हैं आपको, तुम्हें घर वाले तुम्हारी खबर एक ही साफ करेगा तो भी अच्छा होता है। सब भी मिला को कर रहे हैं, तुम्हें भी थोड़ा आओ सपोर्ट करो, काम करो। मामू ये वक्फ बोर्ड की क्या जवाबदारी नहीं बनती है साफ करने में? वक्फ बोर्ड वो क्या नहीं करते, उनका उनको बस हुए है। अब हमारे लोग आ रहे हैं गुजरेस वाले को दिल से कर रहे हैं, इन्होंने कर रहे हैं, इनको शुक्रिया अदा बोलो करण दे। इन्होंने सब भी मिला को इनको क्या होना, उनको हेल्प भी करेंगे, सब भी मिला को आओ काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और कुछ दिनों पहले हम लोग यहाँ पे आए थे। एक शख्स की मौत हुई थी तो उनके मैयत को लेके हम लोग आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग ने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे अंदर आने के लिए भी जगह नहीं थी, इतनी झाड़ियाँ थी कांटेदार। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो खुला मैदान अभी आपको दिख रहा है, इससे पहले यहाँ पे खुला मैदान नहीं था पूरी, यहाँ से मतलब एक भी कब्र यहाँ से दिखाई नहीं देती थी और लोगों का चलना फिरना तो दुश्वार हुआ था ही। और इतना यहाँ पे काटे हो गए थे कि अपनों की कब्रें कहाँ पे हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा था। तो उसी दर्द को हम लोग ने महसूस किया कि हमारा मतलब दुनियावी में हम लोग अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, मकानात बनाते हैं और गार्डन बनाते हैं घरों में, तो जहाँ पे हमें आखिरत में जाना है, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी है, तो वहाँ का हम लोग क्यों ना मुआयना करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इसी कारण हम दोस्त लोग सब मिलके यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 लोग मिल गए, शुरू किए थे काम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हर गली हर मोहल्ले से नौजवान लोग जुड़ रहे हैं और ख़ास करके निसार मोहल्ला के नौजवान जुड़ गए हैं, सकाफ रोज़े के नौजवान जुड़ गए हैं और हवेली गली के नौजवान जुड़ गए हैं और नौबाग के नौजवान जुड़ गए हैं।
तो जो पैसे दे के कर सकता है वो पैसे दे के भी मदद कर रहा है, और जो आके अपने ताकत से करना चाहता है वो भी हमारी मदद कर रहा है। तो उनका बहुत एहसान मानते हैं कि हम चार लोग जो चालू किए थे उस पर इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह हम लोग ये सारे मतलब जो भी कांटे के पेड़ हैं सारे निकाल के हम लोग यहाँ पे एक इंशाल्लाह हम एक गार्डन बनाने का सोचे हैं, और वहाँ पे अच्छी झाड़ियाँ जैसे कि नीम की झाड़ी होती है तो ऐसी खेती यहाँ पे करना करके हम लोग ने प्लान किया है। और हम लोग ऑलरेडी हितनाली फार्म से हमने बात की है कि हमें वहाँ से पौधे लेके यहाँ पे लगाने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। चार दिन पहले मैं भी एक मैयत में आया था, तो देखने के बाद यहाँ बहुत सारे कांटे थे, तो दो लड़के काम कर रहे थे यहाँ, तो अफसोस हुआ हमें भी कि दो बच्चे बोल के काम कर रहे बोल को, तो हमें प्लान करे। सादिक भाई भी उन्होंने भी आए उस दिन ही, सादिक भाई और दादा पीर शेख उन्होंने मिला को आए, सब भी आने के बाद ये काम शुरू हुए। नहीं कांटे बहुत थे यहाँ बोले तो, अभी हमारे पास तो पैसों की भी कमी थी, तो हमें क्या प्लान करे सब जने पैसे जमा को एक 12,000 रुपये जमा, जमाए हमें खुद ब खुद काम शुरू करे। लोग आकर ऐसा देते गए तो वो काम में हमें पैसे लगा रहे। मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो भी खाली है आके थोड़ा हमारी मदद करे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम यासीन मंगोलिया है। आज हम जो है अब्दुल हमीद दरगाह के कब्रस्तान में हैं, तो आज हम जो है यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, सब कब्रस्तान की जो कांटे वटे उठे थे सब गली के सब नौजवान लोग मिल के सफाई कर रहे हैं। हवेली के हैं, सका प्रोजेक्ट हैं, सब लोग कर रहे हैं, निसार मट्टी के हैं। तो अब मेरे एक अपील ये है कि जो भी नौजवान लोग खाली हैं वो आके हमारी हेल्प करें, और जो भी लीडर्स हैं वो एक तरह से अपने जो मदद करना चाहते हैं मदद करें। तो हज़रत अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के इस दरगाह शरीफ के इहाते में जो एक शाही कब्रस्तान है, जो बहुत वसी कब्रस्तान है और पुराना कब्रस्तान है, तो यहाँ पर जो है जब कब्रस्तान में जब मैयत को लाते थे तो यहाँ पर काफ़ी दुश्वारियाँ होती थी, तो यहाँ के नौजवानों ने उसे महसूस किया और चार भाइयों ने इसकी शुरुआत की। आज उनके साथ 40 से ज़्यादा जो उनके भाई हैं जुड़ गए हैं, हर मोहल्ले से जुड़ गए हैं, और ये अपनी आखिरत को सुधारने के लिए, क्योंकि कब्रस्तान एक जन्नत, अगर दुनिया में जन्नत है तो वो कब्रस्तान है, तो यहाँ पर इसकी सफाई में लगे हुए हैं। और तमाम लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं कि वो खुद आएँ और ख़ुद आकर इनके साथ जुड़ें, और वो भी जो है इस सवाब जारिया का जो एक काम है इसमें हाथ बिठाएँ। कैमरामैन सद्दाम के साथ खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।